36 देखिए, इफ एंगल ए एंड एंगल पी आर एक्यूट एंगल सच दैट टेन ए इक्वल टू टेन बी, प्रूव सो दैट एंगल ए इक्वल टू पी। अच्छा देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए दो एक्यूट एंगल ए एंड पी दिए हुए हैं, एक काम करते हैं इसको ना प्रूव करेंगे दो अलग अलग ट्रेंगल लेके, इसको थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, मैं दो अलग अलग राइट ट्रेंगल ले लेता हूँ और उसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, इसे ले लेता हूँ ए बी सी और इसको ले लेता हूँ यहाँ पे पी क्यू आर, दो हमारे पास अलग अलग ट्रेंगल है ना। ठीक है ठीक है, चलिए दो राइट एंगल ट्रेंगल ले लिए। चलिए हमारे पास गिवन दिया हुआ है कि एंगल ए एंड एंगल पी आर टू एक्यूट या फिर आर एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। उसी में इसमें लिख सकते हैं एंड एंगल बी इक्वल टू में 90 डिग्री, है ना, एंगल क्यू इक्वल टू में भी 90 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ए एंड बी आर टू आर एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर, ऐसे भी आप चाहो तो लिख सकते हो, वो और बेहतर रहेगा। ठीक है, आप इसमें चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, है ना, एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए इसी में दिया हुआ है कि सच दैट टेन ए इक्वल टू में टेन पी, ठीक है, ये दिया हुआ है। टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू में एंगल पी, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हमारे पास दिया है कि टेन ए इक्वल टू में टेन पी इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर के अंदर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए टेन ए यानी ये एंगल लेंगे तो इस एंगल के लिए टेन ए किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये बी सी बाई ए बी के इक्वल हो जाएगा, और टेन पी जो हो जाएगा आपका क्यू आर बाई पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको इधर आते हैं, इसको इधर लेते हैं, और इसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना कि बी सी बाई में आपका हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर, और इधर हो जाएगा ए बी और बाई में पी क्यू। देखिए हम लोग देख रहे हैं कि इसका और इसका रेशियो इक्वल दिख रहा है, एंड इसमें एक और चीज देख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू में एंगल क्यू 90, तो इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स का रेशियो और इन दोनों साइड से फॉर्म होने वाले एंगल इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो जाएगा कैसे, साइड सिमिलरिटी से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जब सिमिलर हो गया तो आप लिख सकते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो देखो ना, हम इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, है ना जी, तो यहाँ से एंगल ए इक्वल टू में एंगल पी हो जाएगा, हमने इसे यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया।